हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ममताज़ किचन। आम के सीज़न के अलावा भी यदि आप आम का स्वाद लेना चाहते हो तो या तो आपको उसका पल्प निकालकर डीप फ्रीज़र में रखना पड़ता है, या फिर आप उसका जैम बनाकर या आम पापड़ बनाकर पूरे साल उसका स्वाद ले सकते हो। इस जैम का उपयोग आप ब्रेड पर लगाकर बच्चों को दे सकते हैं, चाहे तो चपाती पर लगाकर दे सकते हैं, या फिर किसी और स्वीट डिश में इस जैम का उपयोग कर सकते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी रेसिपी बता रही हूँ जिससे आप आम पापड़ तो बना ही सकते हैं, उसमें ही कुछ और फेर बदल करके आम का जैम भी बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आम का जैम और आम का पापड़ कैसे बनाते हैं, या आम को किस तरह से प्रिजर्व करके रख सकते हैं जिससे हम उसका स्वाद पूरे साल भर तक ले सकें। इसके लिए हमें चाहिए 2 हापुस आम। आप कोई और आम इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने यहाँ हापुस आम का इस्तेमाल किया है। इसे छीलकर टुकड़ों में काट लें और मिक्सर में घुमा लें ताकि हमें इस आम की प्योरे मिल जाए या तैयार प्योरे। इस पल्प को एक नॉनस्टिक पैन में गर्म करने के लिए रखें, गैस की आंच धीमी ही रखें। फिर इसमें डालें 1/2 कटोरी शक्कर। शक्कर डालने के पश्चात गैस की आंच तेज कर दें और इसे लगातार चलाते रहें। शक्कर पानी छोड़ेगी जिससे पूरा मिश्रण थोड़ा पतला हो जाएगा। हमें तेज आंच पर ही इसे पकाते रहना है। करीबन 5-1 मिनट हो जाने के बाद मिश्रण आपको इस तरह से नज़र आएगा। मैं हमेशा जैम या पापड़ बनाते समय बहुत ज़्यादा पका हुआ आम इस्तेमाल नहीं करती हूँ ताकि उसमें थोड़ा सा खट्टापन भी रहे। आप यदि आप इसका मैंगो जैम बनाना चाहती है तो 1 चम्मच नींबू का रस इसमें निचोड़ दें ताकि शक्कर क्रिस्टलाइज ना हो। और यदि आप आम पापड़ बनाना चाहती है तो इसमें नींबू की जगह 1/4 चम्मच इलायची का पाउडर डाल दें और 2 मिनट तक पकाने के बाद आप देखेंगे मैंगो पल्प इस तरह से हो चुका है। उस पर बहुत अच्छा ग्लेज आ चुका है, परंतु यह अभी भी गिरने वाली कंसिस्टेंसी में ही है। हमें इसी स्थिति में गैस की आंच धीमी कर देनी है और इसमें डालना है कुछ बीजे तरबूज या खरबूज की। यह ऑप्शनल है, मैंने मेरी पसंद के अनुसार इसमें डाला है। इसे डालकर अच्छी तरह से मिला लें और इस स्थिति में अब गैस बंद कर दें और इस मिश्रण को इसी पैन में थोड़ा ठंडा होने दें। ठंडा होते समय इसे बीच बीच में चलाते भी रहें। अब यह मिश्रण काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका है। इसे एक घी लगी हुई प्लेट में निकालकर हमें अच्छी तरह से फैला देना है यदि हम इसका पापड़ बनाना चाहते हैं। जितना पतला चाहे उस हिसाब से इस मिश्रण को फैला दीजिए और इसे धूप में करीबन 1 से 2 दिनों तक सूखने के लिए रख दीजिए। अच्छी तरह से सूख जाने पर आम पापड़ तैयार हो जाएगा। यदि आप जैम बनाना चाहते हैं तो किसी भी एयरटाइट कंटेनर में इसे भर दीजिए और जब चाहे आनंद लीजिए मैंगो जैम का। चूँकि हमने इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं डाला है, इसलिए इसे फ्रिज में रखना ज़रूरी है। आप यदि आम पापड़ बनाए हैं तो आम पापड़ तो सूख जाने के बाद किसी भी एयरटाइट कंटेनर में रखकर अच्छी तरह से बंद करके स्टोर कर सकते हैं। काफ़ी दिनों तक यह ख़राब नहीं होते। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।